सेना की सुरक्षा से घिरा हुआ क्षेत्र सबसे सुरक्षित माना जाता है, पर अगर उसी इलाके में किसी छात्रा के साथ छेड़खानी या अभद्रता हो तो समझा जा सकता है कि देश के अन्य हिस्सों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या हालात होंगे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां पर आर्मी की कैंपस में लॉ की छात्रा के साथ मारपीट और उसे जबरन कार में बैठाने की कोशिश की गई। कार सवार दो युवकों ने बीच बचाव कर रहे छात्रा के दो साथियों के साथ भी मारपीट की। पीड़ित छात्रों ने अपनी शिकायत गोरा बाजार थाना पुलिस में दर्ज करवाई है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। कार से उतरे उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश की। उन्होंने कार देखते हैं कैसे नहीं बैठती कार में, मेरे दोस्त मुझे बचाने आए, बीच बचाव में उन्हें बहुत चोट लगी, उनके साथ मारपीट की गई। हमने वीडियो बनाने की कोशिश की, मेरे दोस्त वीडियो बना पाया। जब मैंने मदद के लिए फ़ोन निकाला किसी को फ़ोन कर लूँ, तो उन्होंने मेरा फ़ोन पटक के तोड़ दिया। जिस दिन उस कॉलेज की पीड़ित छात्रा ने थाने में FIR दर्ज कराई थी, शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर जिस भी सेक्शन की FIR बनती थी वो लिखी गई है। उसके बाद में 164 CRPC के कथन माननीय न्यायालय में कराए गए हैं और साक्षियों के भी कथन कराए गए हैं। वहां पर जो CCTV फुटेज वगैरह है, तो वो किस प्रकार से क्या साक्ष्य दे रहे हैं, उसके लिए भी 91 CRPC का नोटिस मिलिट्री वालों को जारी किया गया है। और हम पहल करके कॉलेज से भी जानकारी ले रहे हैं कि उनके पास क्या साक्ष्य हैं, और जो उस दिन के आई विटनेस हैं वो भी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो पूरी कार्रवाई चल रही है, और इस संबंध में जो सामने वाला पक्ष है मिलिट्री के अधिकारी जो आप बता रहे हैं, उससे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने भी एक शिकायत पत्र दिया था SP साहब जिस दिन आए थे, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुल मिला के ये है कि जो सच्चाई है उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी तक क्या निकल के आया, वहाँ सिनेरियो क्या था, वो क्या घटना क्या थी, क्योंकि उसमें दोनों बातें सामने आ रही। लड़की आरोप लगा रही है कि हमारे साथ छेड़छाड़ की, आर्मी वाले कह रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ये लोग घूम रहे थे और रोक के हमने इसे पूछताछ की है, क्या उसमें? यही विवाद का बिंदु है कि आर्मी वालों का कहना है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, प्रोहिबिटेड एरिया में ऐसी कुछ कर रहे थे जो कि उनको आपत्तिजनक लगा, जिसको रोकने के लिए उन्होंने इस प्रकार के जो भी कदम उठाए हैं। और लड़की का जो पक्ष है वो दूसरा पक्ष है, इसी बात की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है कि सच्चाई क्या है।